क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं अपने आप को छुपा के रखते हैं कि हम कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही करते हैं, हम ही करते हैं। तो जो वो हम करने वाले होते हैं तो वो एक लिमिटेड तक ही सीमित रहते हैं जी सर। वो आपको ये नई नई चीज़ें नहीं दे पाएंगे। जैसे सपोज 10 जगह की क्या चल रहा है 10 जगह में, वो एक जगह पर आपको मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा जी। जी सर, बहुत अच्छा। 4 दिन में कितना कुछ डिफरेंस आया बताइए भाई। सर 4 दिन में सर ने हिला के रख दिया सर, जो काम सर ने सिखाया ना सर, मुझे नहीं लगता कोई इस लेवल का काम सिखा सकता है हमारे इंडिया में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो हमारी ये 16 जुलाई की बैच स्टार्ट हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन भी कंप्लीट हो चुके हैं इनके। और समीर भाई हमारी शॉप पर और इंस्टीट्यूट पर, शॉप प्लस इंस्टीट्यूट दोनों कम्बो है यहाँ पर, ताकि आपने देखा कि जो शॉप वालों का काम आ रहा है तो वो भी भाई आपके सामने बिल्कुल करे। ये चीज़ आपने मेरे हिसाब से अभी तक कहीं देखा ही नहीं होगा। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये चीज़ नहीं देखा होगा आपने। जैसे जो रियल फॉल्ट जो भी चलते हैं तो बिल्कुल वो स्टूडेंटों के सामने हम लोग उसको क्लियर करते हैं। तो चलिए जानते हैं समीर भाई के जो स्टूडेंट किस लेवल पे आए 4 दिन में, वो समीर भाई खुद स्टूडेंट से पूछेंगे और वो जानेंगे। समीर भाई हमारे फर्स्ट वसीम भाई, तो आज समीर भाई आए अपने शॉप प्लग इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप, 4 दिन के अंदर आपको कितना कुछ नॉलेज मिला यहाँ पर? मैं तो फिलहाल पहले जो है हार्डवेयर का कुछ काम करता नहीं था जी, मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं खाली डिस्प्ले फिटिंग और छोटा मोटा ग्लास का काम करता था। मैंने हार्डवेयर का आज तक कुछ भी एक आईसी भी नहीं हटाया था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को 3-4 दिन आज हुआ है आके यहाँ पे, तो मैं पावर आईसी कर लेता हूँ, हार्ड डिस्क कर लेता हूँ, हार्ड डिस्क और सीपीयू कर लेता हूँ लोगों रिवॉर्ड। और बाकी आगे आगे देखो और आगे आगे और कुछ अच्छे तो सीखने मिलेगा अपने को, तो अपने को भरोसा है फिरोज सर और वकार सर के ऊपर। ये लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने को, ऐसा फ्रेंड ट्रीट करते हैं, ऐसा सर ऐसा टीचर नहीं ट्रीट करते हैं अपने को। बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे रहकर 3-4 दिन से। और मैं सोचता हूँ कि मैं 1-1.5 महीना यहाँ पे कुटा लूँ, लेकिन क्या है जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट करके अपने को जाना है, अपने को भी आगे काम करना है। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा है, आपको अगर आना है तो आइए विजिट कीजिए। वकार सर जो फिरोज सर बहुत अच्छा है, जो बात करते हैं सब करते हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी है बहुत अच्छा है। इधर अभी जो हमने कोर्स लॉन्च किया है 16,000 रुपये का, तो इससे पहले जो इनके फ्रेंड थे जो जहाँ से ही आए मुंबई से, इनके शॉप के 2 बंदे हमारे पास से सीख के गए वो 26,000 रुपये में, और अभी हम लोगों ने ये ऑफर रखा है 16,000 रुपये। तो ये भाई भी सीख के आए, वो यहाँ से सीख के गए इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इनको वो जो सीख के आए वो एक राहुल नाम का बंदा है, वो यहाँ से सीख के ही है। वो भी एकदम फ्रेशर था, वो कुछ टाइम पहले काम करते थे लेकिन वो छोड़ थी चुके थे लाइन, लेकिन वो आए इधर सीखे और अभी अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, लाइव देखा उनको करते हुए, हर एक चीज़ कर रहे हो, तो उनको क्या हमें जज्बा आया कि भाई हम भी कर सकते हैं। जब ये कर रहे हैं, ये लाइन छोड़ चुके थे, हम तो अभी अभी लाइन में आए हैं, 1-1.5 साल हुआ है, तो हम बोलते हम भी जाके देखेंगे, हम भी कर सकेंगे। तो आके देखे तो हम भी जो वो कर बता रहे थे वैसा ही सब कुछ इधर है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई जो बोले थे वैसा कुछ नहीं था। वो बता रहे थे कि आप 3-4 दिन में मुझे कॉल करोगे और बोलोगे भाई हम हार्ड डिस्क निकाल रहे लगा रहे, और वैसे ही सेम टू सेम हुआ। मैं उनको कॉल करके बताया कि हम हार्ड डिस्क निकाल रहे लगा रहे, तो वो एकदम श्योर थे 100% कि ये होएगा ही आपके साथ, और वो हुआ हमारे साथ। तो इसमें ये चीज़ का बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। ये जो सोच के आए थे उनको आपको यहाँ पर वो मिल रहा है? या उससे ज़्यादा मिल रहा है, जो मैं सोचा था वीडियो में जैसा देखता था मैं ऐसा अलग, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो उससे कुछ ज़्यादा ही अपने को मिल रहा है, जो अपन सोचे थे उससे कुछ अच्छा ही मिल रहा है अपने, उससे कुछ अलग मिल रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आए, और जो 4,000 किलोमीटर आसाम से आए, तो हम लोग डायरेक्टली वो भाई से मिलाते हैं समीर भाई को। आइए समीर भाई, हमारे केके भाई, केके मिश्रा जी। हेलो सर। तो केके भाई बताइए, आपकी यहाँ पे आने बाद चार दिन पहले की जो लाइफ थी आपके शॉप की, जो काम आप रिटर्न भेजते थे, आप देख के जो डरते थे कि ये तो आईसीयू का वर्क मैं कैसे करूँगा, अब उसको वकार भाई ने कितना इजी पेश किया आपके सामने, कितना इजी सामने आपके लेके आया बताइए। सर हमें वकार सर ने अपडेट कर दिए जी, ऑलरेडी और एक न्यू लाइफ दे दिया हमें, बोले तो ठीक है सर, न्यू लाइफ दे दे। पहले उस तरह का काम करते थे, अभी जितना अपडेटेड हम लोग काम करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। सर ने 3-4 दिन में आपको इतना दे रहा, बाकी तो और कितना दिन बाकी पड़ा हुआ है, और कितना ना जाने कितना कितना सीख के जाना है आगे। सही बात, सर बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर रोज अपडेट होना है जी। बिल्कुल सर, तो क्या कहना चाहूंगे जो आसाम से जो बंदे आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहूंगे? आइए सर, आप लोग आइए यहाँ पे, भरोसा कीजिए, मेरा नंबर लीजिए, हमसे बात कीजिए, ठीक है ना सर? आपको मैं बोलूंगा कि सही है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपने आपको अपडेट कीजिए, बस मैं तो वही बोलूंगा। आपने आने से पहले मुझे कहा था कि मेरे को कोई आपके स्टूडेंट का नंबर दीजिए जो आसाम का हो, मैं उससे बात करता हूँ। जी, मैं बात किया था, मैं वो शिप्सा का लड़का था, वो परनेल गगोई बोल के, उनसे बात किया, उनसे सही जानकारी मिले, सही गाइड किए हमको यहाँ तक पहुँचाने का, और वो कर सर से बात कीजिएगा मेरा इस तरह का। सो हम आए हैं।
तो जानते हैं हमारे जो एक फ्रेंड और आसाम से आए उनसे भी जानते हैं जो के भाई के साथ आए कि इनकी लाइफ में कितना कुछ चेंज आया है, पूछेंगे समीर भाई कैसा रहा सर। बहुत अच्छा सर। जो मैंने आने से पहले मेरे दो चार दोस्त को बोला था चलो सीखते हैं, वो बोला हम लोग इतना साल से 10-12-15 साल से काम कर रहे क्या सीखना है। जिस दिन मैं पहले दिन आया सर ने बोला जो बात बोला मेरे को समझ में आ गया हम लोग जीरो है, हम लोग पहले से बिगिनिंग करना पड़ेगा फिर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, आ सकते हैं सर अपडेट होने के लिए। काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको नया बहुत कुछ आया है, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ सीखने के लिए, बहुत कुछ। ये लाइन बहुत बड़ा है, ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन आप अगर सोच रहे आप बहुत जानते हो तो सर कुछ नहीं जानते, आप यहाँ आइए एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा आप कितना जानते हो। यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल मिला? हाँ सर, सब प्रैक्टिकली है सर, बाकी कुछ नहीं है यहाँ, सब प्रैक्टिकल। अभी भी आप कुछ कर रहे हैं शायद? हाँ सर, मैं सीपीयू बना रहे हैं। अभी सीपीयू बना रहे हैं, कौन सा मॉडल है सर? ये Note 4 का है सर। Note 4 का है? हाँ सर। बहुत अच्छा है, तो ये आपने खुद अपने हाथ से होता है निकाले सर? हाँ सर। बहुत अच्छा है सर। तो ये हमारे एक हाफिज साहब है जो मुंबई के हमारे एक स्टूडेंट है असद भाई जी। असद भाई यहाँ से सिक्के गए 2 साल पहले। असद भाई का काम इन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छे ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो ये फ़ोन लेके जाते हैं असद भाई बना के दे रहे हैं। तो असद भाई से उन्होंने पूछा कि असद भाई आप कहाँ से सिक्के आए हो, तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट का बताया, तो फिर यहाँ पे आए। तो चलिए जानते हैं हमारे भाई से। बताइए सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर मेरी शॉप मुंबई मीरा रोड में है जी, और असद भाई जब हमारे हमारी मार्केट में आए थे उन्होंने भी एक शॉप ली हमारी मार्केट में आने के बाद, तो उनका जो परफॉर्मेंस था, उनका जो सेटअप था बहुत अच्छा सेटअप लगा, सबसे यूनिक सेटअप था उनके पास। वैसा सेटअप हमारी पूरी मार्केट में जो 40-50 दुकानें हैं किसी के पास नहीं था। अच्छा, तो उनको उनका जब सेटअप देखा लोगों ने, हम दुकान वालों ने, तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छे लेवल का कारीगर है, बहुत ऊँचे लेवल का कारीगर है। तो हम लोगों ने भी उसको काम दिया, तो हमारा काम भी उन्होंने डन करके दिया। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस चीज़ से। मैंने उनसे पूछा कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, कि आपने ट्रेनिंग ली है या आपका खुद का वर्क है ये? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये ट्रेनिंग ली है और मैं धुलिया जाकर वकार खान इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। तो उन्होंने तो 26,000 रुपये देकर यहाँ से ट्रेनिंग ली थी सर, और अभी वकार सर ने यहाँ पे जो ऑफ़र निकाला है 16,000 रुपये का, बहुत बेस्ट ऑफ़र है। और जो वकार सर उनको बता रहे थे, जो चीज़ उनको वकार सर ने सिखाई वही चीज़ हमको 16,000 रुपये में सिखा रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब और सीधा बहुत 10,000 का बेनिफिट हो गया। जी जी बिल्कुल, 10,000 का बेनिफिट है और प्लस नॉलेज वही है 26,000 रुपये वाली, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यहाँ आके मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम। प्रैक्टिकल मिला आपको करने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने लाइव प्रैक्टिकल किया भी, एंड्रॉयड फ़ोन की EMMC और CPU पावर IC सब कुछ मैंने रिवॉल्व करके वापस लगाया। जो ICU का डर था मेरे अंदर से वो बिल्कुल निकल खत्म हो गया। अब किसी कोई चालू हैंडसेट भी मेरे हाथ से डेड होगा तो मैं उसको रिवॉल्व करके ऑन कर सकता हूँ। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप मेहनत आगे भी करते रहिए, ऊपर वाला कामयाबी देगा। तो हमारे एक भाई और है जो जम्मू कश्मीर से आए, काफ़ी दूर से आए। तो ये भाई से जानते हैं समीर भाई के पहले IC वर्क करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि समथिंग 2000 किलोमीटर दूर से आप आए हो। तो चलिए जानते हैं अभी 4 दिन में कितना कुछ डिफरेंस आया है, बताइए भाई। सर 4 दिन में सर ने हिला के रख दिया सर, जो काम सर ने सिखाया ना सर, मुझे नहीं लगता कोई इस लेवल का काम सिखा सकता है हमारे इंडिया में। और इतने दिन में, 4 दिन में हम सर CPU उतार के लगा रहे हैं, EMC निकाल के लगा रहे हैं, पावर निकाल के लगा रहे हैं। और सर अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी तो सर मचा डालेंगे धूम। बिल्कुल, ये 4 दिन में आपने जो किया है ना, मेरे पास इतने फॉल्ट आ रहे थे, कसम से बोल रहा हूँ मैं, इतने फॉल्ट, इतने सेट मेरे पास वापस गए हैं मेरी शॉप से। तो अब जाके अब सर से मैं, सर जो भी सिखा रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो सर एक सर ने सही तरीका बताया कि हमें कि कैसे करना है, हमें हैंडसेट कैसे रिपेयर करना है और सेव बे में कैसे हम करें। बहुत अच्छा है जी सर। ये जो 4 दिन में आप दिया है ना, आपको 4 दिन में, तो ये 4 दिन में जब वो है भाई ने सालों साल किया है इसको, जब जाके आपको 4 दिन में मिला है उसको, इतना इजी आपके सामने पेश किया है। जी सर, बहुत अच्छा है। तो हमारे एक भाई और है जो काफी दूर से आए, कर्नाटक से हो ना भाई आप? हाँ सर, कर्नाटक। तो बताइए 4 दिन पहले जो आप ICU का काम नहीं करते थे और आप ICU का वर्क कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा सर, पहले इससे पहले कुछ भी नहीं आता था काम, यहाँ आने के बाद EMMC पावर CPU वो तो अब चुटकियों में हो जा रहा है सर, उतना फास्ट हो रहा है सिर्फ 4 दिन में।
बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत बढ़िया है सर। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं सीपीयू रिवॉल्व करके बता रहा हूँ सर। ये देखिए 100 की है सीपीयू रिवॉल्व किया हूँ, अभी बिठाना बाकी। ओके, ये तो ये आपने अपने आप हाथ से ही कर रहे हैं? हाँ, अपने हाथ से ही कर रहा हूँ सर पूरा। और इससे पहले भी आपने कुछ किया होगा? हाँ, इससे पहले सर जियो का हैंडसेट किया हूँ। ओके, ऑन हैंडसेट पे काम की थी ये सर। तो हैंडसेट ऑन ही है अभी भी या डेड हो गया? अभी भी ऑन है सर। अभी भी ऑन है? हाँ। तो उसमें भी आपने सीपीयू वगैरह निकाला होगा? उसका सीपीयू क्या सर, पावर किया, ईएमएमसी किया, वो भी एक बार नहीं, दो तीन तीन बार किया सर उसको। तो भी सेट अभी भी ऑन है? अभी भी सेट ऑन है। अभी भी ऑन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये एक चीज़ बताइए, सेफ वे में जो काम होता है उस तरीके से समझ आ रहा है बिल्कुल? मतलब जो पढ़ाने का तरीका होता है इंस्टीट्यूट का? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर पढ़ाने का तरीका, एक बार में समझ में आ रहा, बहुत इजी ट्रिक बता रहे और सेफ वे बता रहे पूरा। जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के साथ साथ जैसे कि ये वो भी है, मतलब शॉप भी है एक, तो जो शॉप का काम होता है वो लाइव आपके सामने? लाइव हमारे सामने ही करते हैं सर, प्रॉब्लम हमारे सामने, कस्टमर को हमारे सामने ही पकड़ते हैं। ओके, लाइव ट्रेस करके हमारे सामने ही बनाते हैं प्रॉब्लम उसकी। बहुत अच्छा है। ये भाई तो बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, तो देखते हैं जो काम आता है वो शॉप का भी, का भी जो काम आता है वो। और वो मेरे को बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, ऐसा कर रहा हूँ मैं बोल के ही काम करते हैं। मैंने ट्रेस किया, ये प्रॉब्लम है बोल के। बहुत जबरदस्त है। तो हमारे जो एक भाई और, एक कर्नाटक से है ये भी, तो चलिए जानते हैं कि चार दिन पहले जो आईसी का वर्क नहीं करते थे अब कितना इजीली कर पा रहे हैं, तो जानते हैं हमारे भाई से। पहले तो कुछ भी नहीं आता था सर, मतलब आईसी, ईएमएमसी, सीपीयू, पावर आईसी, ये तो कुछ भी मालूम नहीं था। ओके, सिर्फ खाली कॉम्बो बिठाना, यही चार्जिंग कनेक्टर माइक, यही बताता था मैंने पहले। ओके, अभी क्या है मेरे को सब भी आ रहा है, सीपीयू बताता हूँ, ईएमएमसी बताता हूँ, पावर आईसी बताता हूँ। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमको क्या है सिखाया है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत थोड़ी मतलब कुछ भी पहले नॉलेज नहीं थी, अब जो सर ने नॉलेज दिए तो अब कोई भी सेट आया तो हम उसको कर सकते हैं, हमको इतना कॉन्फिडेंस बन गया है अभी। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छा है सर। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है समीर जी के, पहले हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि इनकी हैंड स्किल बन जाए। okay, ताकि जब थ्योरी चले और जैसे जैसे सेक्शन चले तो ये खुद रिपेयर करे। जब भाई बता दे, देखो अब हैंडसेट भी हम लोग इनसे लेके रखते हैं, पहले इस पे वकार भाई खुद ट्रेस करते हैं, एक दो हैंडसेट पे इनको बताते, जैसे अगर लाइट फॉल्ट है तो लाइट के एक दो हैंडसेट बता देंगे कि ऐसे ऐसे ट्रेस करना है, उसके बाद जिसके हैंडसेट है उसको दे देते, लो अब तुम ट्रेस करो। इससे पहले इनकी हैंड स्किल बन जाए, आईसीओ का डर निकल जाए, उसके बाद ही तो बंदा काम करेगा ना। सही बात है। उसके बाद ही थ्योरी लेते हैं हम लोग, पहले प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो में। चलो हमारे वकार भाई कुछ बोल रहे हैं। समीर भाई, जो 16,000 रुपये हमारी फीस है, इसमें जो है हम बोर्ड जो प्रोवाइड करते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहले जो हम एक बोर्ड देते हैं उनको, जो डेड बोर्ड होता है, okay, पहले उस पर ईएमएमसी वगैरह करवाते हैं, रिबॉलिंग करवाते हैं, पहले हम दिखाते हैं उनको, फिर उनसे करवाते हैं, फिर वो होने के बाद हम उनको सीपीयू रिबॉलिंग के लिए एक बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, फिर सीपीयू होने के बाद पावर रिबॉलिंग करने के लिए देते हैं सेम बोर्ड में। जब ये तीनों उनकी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इनको आईसी निकालना लगाना बताते हैं कि कैसे लगाते हैं। ओके, हाँ, वो भी पेस्ट का फुल नॉलेज देते हैं, कौन सा पेस्ट बेस्ट है, क्या है, आईसी लगाने के कितने तरीके हैं और कैसे लगा सकते हैं। जब उनका ये परफेक्ट लगता है, फिर उनको हम चालू फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। okay, जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है जियो का, वो फ़ोन प्रोवाइड करते हैं। फिर उनका जैसे ही पेस्टेड का डर, नॉर्मल का डर निकल जाता है, फिर उनको हम पेस्टेड बताते हैं। हम जो है पेस्टेड उनको चालू पे दिखाते हैं समीर भाई कि आपको कैसे करना है, लेकिन पेस्टेड का बोर्ड हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि बोर्ड महंगा आता है और इतनी फीस में इतना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो एक एक दो दो बोर्ड दे रहे हैं। तो पेस्टेड के हम बहुत कम बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, एक से दो बोर्ड ही प्रोवाइड करते हैं। और डबल डेकर का ऐसा है कि हम डबल डेकर स्टूडेंट को एक बार नहीं, पूरी बैच में कम से कम 8-10 बार देखने मिलता है, क्योंकि ये शॉप है रेगुलर डबल डेकर का वर्क जो है ना, अभी हर एक दो दिन में 2-3 पीस आते ही रहते हैं, तो उनको 8-10 बार डबल डेकर देखने मिल जाता है। लेकिन करने के लिए हमारे तरफ से कोई भी बोर्ड प्रोवाइड नहीं किए जाते। अगर स्टूडेंट चाहता है कि यहाँ खुद वो प्रैक्टिस करे, उसके हाथ से करे, तो आपकी शॉप पे बहुत सारे डेड बोर्ड पड़े होंगे, वो ला सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो बोर्ड सेलर होते हैं उनके नंबर हम प्रोवाइड करवा देते हैं कि आप उनसे मंगवा लो। अब पहले आईसी का डर इसलिए निकाल देते हैं ताकि बोर्ड पे काम करने बंदा डरे ना। फिर जैसी हमारी थ्योरी स्टार्ट होती है, थ्योरी में हम कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, उसकी कैसी टेस्टिंग है बोर्ड में, कैसे कूल टेस्ट करते हैं, कैसे हॉट टेस्ट करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे आपके पास टच नॉट वर्किंग का फ़ोन आए तो सबसे पहले क्या चेक करना है, टच सेक्शन कैसे वर्क करता है, पहले वहाँ समझा देते हैं।
स्कैमेटिक विद स्कैमेटिक विदाउट स्कैमेटिक बोर्नियो ने जो डेटा दिया है उसके साथ दोनों तीनों तरीके से हम समझा देते हैं। फिर उसको कैसे टेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी इतने स्टूडेंट है, किसी ने अगर चार पांच लोग ने टच नॉट वर्किंग फोन लाया है जी, तो पहले दो तीन फोन मैं लूंगा, उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा, टच चला के दिखाऊंगा, और फिर बाकी जिसका फोन बचता है उसको दे देते कि आप ट्रेस करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, हम देखेंगे ये कैसे होता है कैसे नहीं। अब जैसे कि मान लो 10 बंदों ने मेरे पास 10 फोन दिए, मान लो ऐसा 40 फोन मेरे पास जमा हो गए, अब पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट वाला हो, कोई भी दुकानदार हो, 100 में से 100 पीस रिपेयर नहीं होते, कुछ पीस आईसी नहीं मिलती जी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से वो रिटर्न हो जाते। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े किंग है या कोई है, लेकिन इंडिया में जितने लेवल तक एंड्रॉयड का काम कर रहा है, यहाँ पे आपको हर लेवल की डीप में नॉलेज मिलेगी, चाहे आप स्कैमेटिक की बात कर लो या फिर आपके जो क्वेश्चन है आप वो पूछ लो, आपको बिल्कुल भी डीप में नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद बहुत इंस्टीट्यूट से सीखा हूँ। आप अपनी खुद मुलाकात हुई थी एक लास्ट टाइम एक इंस्टीट्यूट में, तो मैं खुद बहुत जगह गया हूँ, और ऑनलाइन भी कभी हम चाइना में बहुत सारी टीम है उनका ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं, जहाँ पर भी मुझे न्यू कुछ मिलता है तो हम शर्माते नहीं है सीखने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एक समंदर है, जिससे मिल रहा है सीखते जाओ, हो सकता है मेरे स्टूडेंट में से कोई इतना आगे निकल जाए कि मेरे से आगे निकल जाए, तो मैं उससे भी सीखने में बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा समीर भाई। अगर मुझे लगेगा कि वो नहीं कुछ अपडेट हुआ है तो मैं बिल्कुल उसको फ़ोन करूंगा, और उसके पास कुछ न्यू अपडेट होगा तो मैं ज़रूर उससे लूंगा, चाहे कोई भी हो। बहुत अच्छा सर, ये चीज़ जान के तो मतलब सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि अपडेट के लिए तो कोई कहीं से भी बिल्कुल सीख सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं अपने आप को छुपा के रखते हैं कि हम कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही करते हैं हम ही करते हैं, तो जो वो हम करने वाले होते हैं तो वो एक लिमिटेड तक ही सीमित रहते हैं जी सर। वो आपको ये नई नई चीज़ें नहीं दे पाएंगे, जैसे सपोज 10 जगह की क्या चल रहा है 10 जगह में, वो एक जगह पर आपको मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा जी। जी सर, बहुत अच्छा है सर, तो थैंक यू सो मच समीर भाई, आप हमारे यहाँ पे आए। वेलकम सर, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।